तो दोस्तों, अक्षय सर की सरफिरा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जो रीमेक है सूर्या की सुर्राय पोटरू का। और ये बात अब तक पूरे इंडिया को पता चल गई होगी। खैर, रीमेक होकर भी कैसी ये मूवी, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, सरफिरा को डायरेक्ट किया है सुधा कोंगरा ने, जिन्होंने ओरिजिनल मूवी भी डायरेक्ट की थी। और जब कोई डायरेक्टर अपनी मूवी का रीमेक बनाता है, तो वो इस बार अपनी पहली मूवी की कमियों को खत्म करता है, जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह के साथ किया था, और सेम ऐसा ही सुधा मैम ने सरफिरा के साथ किया है। उन्होंने अपना 100% दिया है इस मूवी को बनाने में। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो वीर मात्र नाम का एक कैरेक्टर है जो पूरा कर्जे में डूबा है, लेकिन उसका एक सपना है सबसे सस्ता एरोप्लेन का सफर, जिसके लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब क्या वीर अपने सपने को पूरा कर पाएगा, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अक्षय सर को हमने एक्शन अवतार में देखा है, कॉमेडी अवतार में देखा है, लेकिन सरफिरा अपने इमोशंस पर फोकस करती है, जिसमें अक्षय सर नो डाउट बहुत ही कमाल के लगे मुझे। इस मूवी का इमोशन मूवी के एंड में आपकी आंखें नम कर देगा। फिर चाहे वो वीर और उसकी वाइफ का इमोशन हो या वीर और उसकी माँ का, सब कुछ काफी कमाल का था। मूवी में राधिका मदन अक्षय सर के सामने छोटी बच्ची लगती है, फिर भी उनकी केमिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी। बाकी मूवी रीमेक है, इसीलिए इसकी कोई हाइप नहीं है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली अक्षय सर की जो भी मूवीज रिलीज हुई है, उनमें सरफिरा टॉप नंबर पर है। ऊपर से ये अक्षय सर की 150वीं मूवी है, तो एक बार तो देखना बनता ही है। मूवी में परेश सर भी है, जिन्होंने ओरिजिनल मूवी में भी सेम कैरेक्टर प्ले किया था, और इस बार भी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। लेकिन इस मूवी में सूर्या सर का एक कैमियो है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल सरफिरा अक्षय सर की रिसेंटली जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है, उनमें काफी अच्छी है, और इसमें किसी भी प्रकार की न्यूडिटी नहीं है, इसलिए आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो अगर आपने सरफिरा को देख लिया, तो आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा पंथी। क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया?